हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ डेली मार्केट शो। चलिए देखते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और आज आपकी निफ्टी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फॉर द बुल्स आज 24600 24500 की सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। करंटली मोस्ट स्टॉक्स एंड इंडाइसेस अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड कर रहे हैं एंड हमें कंसोलिडेशन मिल सकता है फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स। ये यूजुअली तभी होता है जब इंडाइसेस अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के काफी दूर या गैप पे ट्रेड करने लगते हैं। अगर मार्केट 25100 लेवल्स को क्रॉस करता है देन हमें रेंज बाउंड मूवमेंट देखने मिल सकता है इन द मार्केट। बिलो 24500 लेवल्स मार्केट नीचे गिर सकता है टू 24250 टू 24100 लेवल्स। अ स्ट्रेटजी शुड बी टू बाय सिलेक्टिव स्टॉक्स बिटवीन द लेवल्स ऑफ 24600 टू 24500। एनी बाउंस टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 24900 टू 25000 लेवल्स विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस लॉन्ग पोजिशंस टुडे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फंडामेंटल कॉल को देखते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹405 विद अ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। फाइनली आज कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे ये देखते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने रिकॉर्ड ग्रोथ रिपोर्ट किया है इन जुलाई 2024 टोटल वॉल्यूम। इट ग्रो बाय 56% ईयर ऑन ईयर एंड इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम इंक्रीज्ड 29% ईयर ऑन ईयर। साथ ही कंपनी रिपोर्टेड 259% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम ड्यूरिंग द मंथ। अंबुजा सीमेंट ₹1600 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं टू सेटअप सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट इन बिहार। आज 5 अगस्त मैरिको, ONGC, भारतीय एयरटेल, टाटा केमिकल्स अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स आज अनाउंस करेंगे। आज ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के फाइनल डिविडेंड का एक स्टेट है ऑफ ₹73.5 पर इक्विटी शेयर। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। इसी तरह रोज मार्केट अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई वेबसाइट लिंक को भी चेक कर सकते हैं फॉर रेगुलर मार्केट अपडेट्स। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग अपडेट्स। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.